डिंडोरी के बिलगांव बांध से मछली मारने को लेकर समिति के बीच में ही विवाद हो गया। इस विवाद से लगभग 400 सदस्यों वाली सहकारी समिति दो फाड़ में बट गई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के चलते दोनों पक्षों ने कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारियों से जांच की मांग की है। बिलगांव बांध की मछुआ समिति में लगभग 400 सदस्य हैं। 11 हेक्टेयर में फैले इस बांध के क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण सहित मछली मारने वाले लोग समिति के सदस्य हैं, लेकिन समिति के सदस्यों ने समिति अध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए मछली नहीं मारने देने और बाहर से शिकारियों को बुलाकर ठेके पर मछली मारने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय मछुआरों भी समिति के सदस्य हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है। इस दौरान स्थानीय मछुआरों ने विरोध जताते हुए बाहर से आए मछली ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये लोगों को समिति से निर्णय नहीं लिया, ना प्रस्ताव बना गया है। इसमें ये लोग चोरी से आकर अभी मछली मार रहे हैं। मैं समिति का उपाध्यक्ष हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना समिति हमारे जो बिलगांव ढोंढा करौंदी बिलगड़ा और कठेरा के सदस्यों को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मामले की शिकायत पर मत्स्य विभाग के अधिकारी हरिचरण विश्वकर्मा का कहना है कि समिति के सदस्यों के बीच का ही यह विवाद है जिसकी शिकायत मिली है, जल्द ही मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो इनका विवाद चूंकि समिति जो है कलेक्टर महोदय और इस विभाग को जो है एक प्रस्ताव बना के पहले दे चुकी है, और दूसरा मामला है रॉयल्टी का। कुछ मछली मारने के बाद उसकी राशि समिति के खाते में जमा की जाती है, तो समिति इसका निर्धारण खुद करती है। तो समिति और शिकायतकर्ता जो मछुआरे हैं समिति के सदस्य, उनके बीच में यही जो है रुपए को लेकर विवाद है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।